इन्होंने सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरपुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम। लूट मार करना हमेशा पाप है। कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानू मैंने क्या खोया क्या पाया। प्राण एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक के सबसे महान खलनायकों में से एक और 1940 से 1990 के दशक तक हिंदी सिनेमा में चरित्र अभिनेता के रूप में जाना जाता है। मारते तो मैं ही। क्या था? उतनी शक्ति की सौगंध खाई है, ये शादी नहीं होगी सरदार। उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को हुआ था। वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और सम्मानित दिग्गज अभिनेताओं में से एक रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दे। वो अपने समय के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। शेर खान, बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते, जिनसे दिल बहल गया और तोड़। उन्होंने 1940 से 1947 तक नायक की भूमिकाएं, 1942 से 1991 तक नेगेटिव चरित्र और 1967 से 2007 तक सहायक और चरित्र भूमिकाएं निभाई। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। एक लंबे फिल्म करियर में प्राण 362 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम रुखसार से मिलने आए हैं। रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुमने ये हक खो दिया है दामाद साईं। उन्होंने खानदान, पिलपिली साहिब और हलाकू जैसी फिल्मों में प्रमुख व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्हें मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, शहीद, उपकार, राम और श्याम, आंसू बन गए फूल, पूरब और पश्चिम, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान जंजीर, मजबूर, अमर अकबर एंथनी, डॉन, शराबी और दुनिया में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो डायरी पुलिस को मिल जाए तो आपके ये सारे साथी और सारे धंधे बंद हो जाएंगे। पैसे बोलो। वैसे मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूँ, यही कोई 10 लाख। क्या 10 लाख? क्यों, कम है? प्राण को अपने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्होंने 1967, 1969 और 1972 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ। उन्हें 2000 में स्टारडस्ट द्वारा विलेन ऑफ द मिलेनियम से सम्मानित किया गया। डबल गेम मैं नहीं, तुम खेल रहे हो। कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मुलाकात हो गई। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं। 2010 में उन्हें CNN की सर्वकालिक शीर्ष 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया था। प्राण का 12 जुलाई 2013 को 93 वर्ष की आयु में मुंबई में लंबी बीमारी से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। एक बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वे हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। हमारी बेटी के नाक का मोती है।